वेलकम टू इंग्लिश विद अल्ताफ। आज हम सबसे पहले सीखेंगे हियर टू, फिर इसके बाद हम सीखेंगे देयर फॉर, फिर देयर फॉर के बाद हम सीखेंगे हियर एंड देयर, इसके बाद हम सीखेंगे देयर इज नो हार्म, फिर एंड में हम सीखेंगे देयर यू आर, हियर यू आर, देयर यू गो एंड हियर यू गो, और इन सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलें स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आई एम हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलें सीखना शुरू करते हैं। हम अक्सर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और सुनते हैं, जैसे कि मैं नौकरी शुरू करने आया हूँ, मैं यहाँ टेस्ट लेने नहीं आया हूँ, क्या मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ, क्या मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूँ। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में कोई किसी काम को करने के लिए हाजिर है या उस काम को करने के लिए आया है, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं आई एम हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं नौकरी शुरू करने आया हूँ, आई एम हियर टू स्टार्ट द जॉब, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते आई एम हियर टू स्टार्ट द जॉब। ठीक है, और ये जो आम की प्रोनंसिएशन है बिल्कुल वही प्रोनंसिएशन है जो खाने वाले आम की होती है, मतलब मैंगो की होती है, आम। ठीक है, मैं यहां फिल्म देखने आया हूं, आई एम हियर टू वॉच अ मूवी, मैं आपके कंप्यूटर पर काम करने के लिए हाजिर हूं, आई एम हियर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर, मैं यहाँ टेस्ट लेने आया हूँ, आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट। और अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो खाली आपको आई एम के बाद नॉट ऐड करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ टेस्ट लेने नहीं आया हूँ, आई एम नॉट हियर टू टेक अ टेस्ट। और अगर आपको इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको पहले एम लिखना होगा फिर आई लिखना होगा, जैसे कि क्या मैं यहाँ टेस्ट लेने आया हूँ, Am I here to take a test? और अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको एम आई के बाद नॉट एड करना होगा, जैसे कि क्या मैं यहाँ टेस्ट लेने नहीं आया हूँ, Am I not here to take a test? अब चलें और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने आया हूँ, I am here to receive my gift. मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूँ, I am not here to receive my gift. क्या मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने आया हूँ, Am I here to receive my gift? क्या मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूँ, Am I not here to receive my gift? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे therefore, जो कि यूज होता है जिन उर्दू के सेंटेंसेस में लिहाजा, इसलिए, इस वजह से, इस तरह के वर्ड्स आए, जैसे कि सलमान की कार बड़ी थी और इस वजह से ज्यादा आरामदायक थी। सलमान's car was bigger and therefore more comfortable. वो मसरूफ थी लिहाजा वो नहीं आ सकती थी। She was busy, therefore she could not come. अली सिर्फ 17 साल का है लिहाजा वोट डालने के लिए अहल नहीं है। Ali is only 17 and therefore not eligible to vote. शाहरुख वाहिद उम्मीदवार था लिहाजा वो मुंतखब हो गया था। शाहरुख वॉज द ओनली कैंडिडेट देयरफॉर ही वॉज इलेक्टेड। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक फ्रेज हियर एंड देयर, जो कि यूज होता है जब हम उर्दू के सेंटेंसेस में इधर उधर या यहाँ वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो, इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर का खाना मत खाया करो, अपनी चीजें इधर उधर मत रखा करो। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में इधर उधर या यहाँ वहाँ कॉमन है, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में हियर एंड देयर यूज करते हैं। अब चलें हियर एंड देयर के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इसको सही तरीके से यूज कर सकें और लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इधर उधर की बातें मत करो, डोंट टॉक हियर एंड देयर। यहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग हियर एंड देयर। वो हमेशा यहाँ वहाँ की बातें करता है,
ही ऑलवेज टॉक्स हियर एंड देयर। इधर उधर का खाना मत खाया करो, डोंट ईट फूड ऑफ हियर एंड देयर। हमने यहां वहां तलाश करा लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ सके। We searched here and there, but we could not find her. और अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे him use करेंगे, ठीक है? आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा no harm. और no harm हम use करते हैं जब हम कुछ इस तरह के sentences बोलते हैं, जैसे कि TV देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, एनी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, सलमान से शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में कोई हर्ज नहीं है, ये कॉमन है। और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में नो हार्म यूज करते हैं। अब चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इसको सही से यूज कर सकें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। और अगर आपको ऐसे बोलना हो कोशिश करने में हर्ज है, तो आप कुछ यूं बोलेंगे, देयर इज हार्म इन ट्राइंग। इसका मतलब ये कि आपने खाली देयर इज के बाद जो नो आ रहा है आपने इस सेंटेंस में से नो को हटा देना है, ठीक है? और अगर आपको ऐसे बोलना हो क्या कोशिश करने में कोई हर्ज है, तो आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इज देयर एनी हार्म इन ट्राइंग। इस सेंटेंस में देखें हमने देयर इज को घुमा दिया, मतलब पहले इज लिखा फिर देयर लिखा फिर हमने उसके बाद एनी ऐड करा और बाकी का फिर सेंटेंस वही रहा, ठीक है? इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब चलें और एग्जांपल्स देखते हैं। बकायदगी से 3 घंटे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन स्टडिंग 3 आवर्स रेगुलरली। बकायदगी से 3 घंटे पढ़ने में हर्ज है, देयर इज हार्म इन स्टडिंग 3 आवर्स रेगुलरली। क्या बकायदगी से 3 घंटे पढ़ने में हर्ज है, इज देयर एनी हार्म इन स्टडिंग 3 आवर्स रेगुलरली। एनी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू एनी। एनी से बात करने में हर्ज है, देयर इज हार्म इन टॉकिंग टू एनी। क्या एनी से बात करने में कोई हर्ज है, इज देयर एनी हार्म इन टॉकिंग टू एनी। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा हियर यू गो, हियर यू आर, देयर यू गो एंड देयर यू आर। तो चलें टाइम जाया किए बगैर सीखना स्टार्ट करते हैं। Here you go, here you are, there you go, there you are, इन सब का मतलब एक ही होता है। इन्हें अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इनका मतलब कुछ यूं हो सकता है, जैसे कि लो, ये रहा, ये देखो। इस तरीके से आप इन्हें उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इन सब में एक डिफरेंस है, Here you are and there you are फॉर्मल है और here you go and there you go informal है। मतलब here you are, there you are ये आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में, ठीक है? और here you go, there you go जिन वर्ड्स के साथ go आ रहा है, here you go, there you go ये इनफॉर्मल है, इन्हें आप खाली अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब चलें इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इन्हें सही तरीके से यूज कर सकें। ये देखो एनी आ चुकी है, हियर यू आर एनी हैज कम। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर यू आर एनी हैज कम। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हियर यू गो एनी हैज कम। या तो ऐसे भी, देयर यू गो एनी हैज कम। इन सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लो तुम्हारी चाबी, हियर यू आर दिस इज योर की, देयर यू आर दिस इज योर की, हियर यू गो दिस इज योर की, देयर यू गो दिस इज योर की। आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, बस आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल का ध्यान रखना है, ठीक है? अब चलें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लो हमेशा की तरह वो मुझ पर हर चीज का इल्जाम लगा रही है, There you go, she is blaming everything on me as usual. ये लो 5 copies, या तो ये लो 5 copies, ठीक है? Here you go, 5 copies, is that right? लो, इसलिए मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया था, There you go, that's why I didn't mention it earlier. ये लो मैडम आपका बोर्डिंग पास,
हियर यू गो मैडम, दिस इज योर बोर्डिंग पास। अब आपकी बारी है, आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बराबर में मौजूद बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।